नमस्कार स्टूडेंट मैं विक्रम सैराव तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे तो आशा है भाई आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा ठीक है और कल की क्लास में हमने आपका जो सिक्सटी एट्थ बी का जो एग्जाम हुआ था वो हमने डिस्कस किया था आई थिंक हिस्ट्री की बात करें तो ट्वेंटी फाइव से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हिस्ट्री यानी आपकी नेशनल हिस्ट्री से पूछे गए थे और जो भी स्टूडेंट ने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो देख लेना उसमें हर एक क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है और उसका आंसर भी बताया है ठीक है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो बीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये हम कह सकते हैं कि हर एग्जाम में तीन से चार क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से बनते हैं ठीक है अगर आप उठा के देखोगे पैंसठ व चौसठ वा तिरसठ वियासठ वड़सठ का एग्जाम उठा के देखोगे तो वहां से हर एग्जाम के अंदर अड़सठवें में भी आए हैं तीन से चार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो प्रीवियसर क्वेश्चन बीपीएस में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से हमको एग्जाम की तैयारी करनी है आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके एक दोस्त की तरह है जो हम हाँ आपको हमेशा गाइड करते हैं कि हमको कितने लेवल का पढ़ना है हमको कितना ज्यादा पढ़ना और कितना कम पढ़ना है इस टॉपिक से ये सब कुछ कौन गाइड करता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गाइड करते हैं तो लगातार अब चार पांच दिन हम प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में अड़सठवीं बीपीएससी का पेपर हमने डिस्कस किया था जो अभी हुआ है आज की क्लास में जो सड़सतवी बीपीएससी का पेपर है तीस सितंबर को हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे और एक जो बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया था ओल्ड वाला पेपर वो हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर आ, कर रहे हैं जिनको लगता है नंबर जो है वो सौ के करीब बन रहे हैं तो जो मेन्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी जो है वो जरूर करें जिनके नंबर उनको लगता है कि किसी भी कट ऑफ में उसके नंबर आ रहे कोई भी टीचर कह रहा है कि ये कट ऑफ है सो या सो के करीब और उसमें उनका नंबर आ रहा है नाम आ रहा है उनका तो वो जरूर मेंस की तैयारी करें और मेंस के लिए भी हम डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और अगर हम बात करें मेन्स की तो बीपीएससी ने एक एक जो है पूरा का पूरा अपना एक खांचा बताया है कि मेन्स का एग्जाम किस तरीके से होगा पहले उसको हम देख लेते हैं बीपीएससी ने पूरा का पूरा जो है पैटर्न बताया है कि भाई किस तरीके से आपका मेंस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा जो है ये फॉर्मेट फॉर्मेट मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक जो है बीपीएससी के द्वारा दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर ठीक है तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले वाला दो जीएस के पेपर है जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू ठीक है और इनके अंदर फिर सेक्शन है ठीक है आपके जीएस के दो पेपर है जीएस वन और जीएसटू और इनके अंदर फिर क्या है सेक्शन है तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा ये आप देख सकते हैं आ, ये जैसे अगर हम बात करें जो मेंस का एग्जाम रहेगा जीएस पेपर वन में अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रहेगा ठीक है मेन्स की अगर बात करें तो मेन्स में आपको एनशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की इंपोर्टेंस नहीं है मेन्स के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की इंपोर्टेंस है और मेंस के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर की इंपोर्टेंस है तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा 38 मार्क्स का ठीक है फिर उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें देखो भाई अगर मान लो थर्टी मार्क्स मार्क्स का है तो कैसे डिसाइड करें कि हमें कितने वर्ड्स में लिखना है कैसे हम पता लगाएंगे भाई हम हमको कितने वर्ड में लिखना है तो लगभग ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो दो, जो दो किस मार्क्स का क्वेश्चन होता है लगभग सौ नंबर के अंदर लिखा जाता है सो वर्ड्स का लिखा जाता है बीस मार्क्स का लगभग जो है दो सौ वर्ड्स का लिखा जाता है ठीक है तो करीब करीब साढ़े तीन सौ वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर ठीक रहेगा फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रहेगा लेकिन इनमें चॉइस होगी दो क्वेश्चन में से आप एक डिसाइड कर सकते हैं ठीक है जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा पहले वाले में कोई चॉइस नहीं है पहले वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन रहेगा दूसरे वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन रहेगा इसमें चॉइस है दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप डिसाइड कर सकते हैं यह भी अड़तीस मार्क्स का रहेगा फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में से रहेगा इनमें दो क्वेश्चन में से एक चॉइस है तो यानी पहले तीन क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रहेंगे जिनमें से दो क्वेश्चन में चॉइस रहेगी कि भाई आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं दूसरे वाले में और तीसरे वाले में भी फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तो अगले सेक्शन की बात करें तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि करंट

जो है आप ने देखा जीएस वन के पेपर के अंदर आपने देखा कि ये जीएस वन के पेपर के अंदर देखा कि GS1 का जो पेपर है उसमें तीन सेक्शन 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 है है पहले में में हिस्ट्री एंड एंड आर्ट और कल्चर दूसरे करंट अफेयर तीसरा भी है, तीसरे सेक्शन जो है वो स्टेटिकल एनालिसिस ग्राफ और डायग्राम पूछे जाएंगे तो सिंपली इसमें क्या आता है इसके अंदर कोई भी आपको पाई चार्ट दे, दे देगा या कोई भी आपको जो है आपको जो है ग्राफ दे देगा और आपको उसके अंदर से जो है ये बताना है क्वेश्चन uh, सॉल्व करने उसके अंदर ग्राफ को देख के आपको सिंपली ग्राफ एनालिसिस आना चाहिए और स्टेटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको तो जो सेक्शन तीन है जीएस के पेपर के वन के अंदर तो तीन क्वेश्चन यहां से आएंगे भाई दो क्वेश्चन सॉरी दो क्वेश्चन यहां से आएंगे ठीक है फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टेटिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम ठीक है स्टेटिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम से दो क्वेश्चन आएंगे तो सिंपली अगर हम बात करें तो जीएस वन के पेपर के अंदर तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आएंगे ठीक है उसके अलावा तीन क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आएंगे और दो क्वेश्चन जो रहेंगे मेंस के अंदर वो आपके आएंगे ग्राफ और स्टेटिकल एनालिसिस से आएंगे तो टोटल आठ क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से तीन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर और तीन क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर और दो क्वेश्चन आपके जो है वो स्टेटिकल एनालिसिस से आएंगे ठीक है तो ये आपका जीएस वन का पेपर जीएस वन के पेपर में आठ क्वेश्चन है फिर उसके बाद हम बात करते हैं जीएस वन के बाद हम देखते हैं जीएस टू के पेपर के अंदर जीएस टू के पेपर के अंदर क्या क्या आएगा और ये स ये सब क्वेश्चन 38 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो 38 मार्क्स के 38 मार्क्स के क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन है फिर उसके बाद हम बात करते हैं जीएस टू की जीएस टू के अंदर जो है सेक्शन वन जो है उसके अंदर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे पूरा सिलेबस में हिस्ट्री में लिखा गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आएंगे यानी, की वेटेज नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़नी नहीं है अगर जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो आर्ट एंड कल्चर में एनशियट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें आती हैं तो ये बिल्कुल सोच के मत चलना कि मेरे को एनशियंट मेडिवल पढ़नी नहीं है ठीक है मेडिवल का जो आपको पता होगा तभी आप आर्ट एंड कल्चर देख पा पाओगे तो का आपको ये एक, आ, होना चाहिए ठीक है जैसे इमेजिन करो कि आप नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो या आप द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो द्रविड़ स्टाइल पढ़ रहे हो और आपको चोल के बारे में पता ही नहीं है ठीक है आपको पल्लव वंश के बारे में पता ही नहीं है तो आपको आइडिया होना चाहिए और मेडिवल का तभी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हो तो ये हमने डिस्कस किया फिर उसके बाद जीएस पेपर टू की बात करें तो जीएस पेपर टू में जो पहला सेक्शन है वो इंडियन पॉलिटी है भाई। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट सिलेबस इंडियन पॉलिटी का और बेस्ट जो इसका तरीका करने का भाई वो मैं बताता हूं आपको इंडियन पॉलिटी जो करनी है वो लक्ष्मीकांत से कर लो सफिशियंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम उठा लो ठीक है या मेरे नोट्स है मैंने Uh, मेरे मेरी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की कम से कम जो है चालीस से ज़्यादा वीडियोज हैं और वो वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो कोई किताब नहीं पढ़नी आपको ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए अभी आप चेक कर सकते हो बीपीएससी की प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की जो है मेरी प्लेलिस्ट है उसमें फिलहाल

तो लक्ष्मीकांत जो है आप बेस्ट रहिए आपके लिए और पहला क्वेश्चन जो है जीएसटू का जो पहला क्वेश्चन है वो पॉलिटी से रहेगा कंप्लीट सिलेबस लिखा है सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी ठीक है और क्वेश्चन टू भी इंडियन पॉलिटी से रहेगा और क्वेश्चन तीन भी इंडियन पॉलिटी से रहेगा तो तीन क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रहेंगे तीनों क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रहेंगे देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर आप फिलहाल इस एग्जाम में उतरे हो और अगर आप सिक्सटी नाइन्थ की तैयारी कर रहे हो हो सकता है कि आपका 68 के अंदर 100 वगैरह या 105 वगैरह नंबर बन रहे हो पिचानवे नंबर भी बन रहे हो तो कहीं ना कहीं चांस है भाई आपका हो सकता है ठीक है तो उस उन स्टूडेंट को तो मेंस की तैयारी में जुट जाना है ठीक है अगर उनको यह भी लगता है कि मेरा प्रिलिम्स नहीं भी हो, होगा फिर भी मेन्स की तैयारी ये जो समय है जब तक प्रिलिम्स का रिजल्ट नहीं आता आपको मेन्स की तैयारी में ये समय झोंकना है तो यह समय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपका रिजल्ट भी आता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यह समय ही मायने रखेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ठीक है बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेन साथ में लेकर चलना है भाई ठीक है मान लो भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़नी कि आज मैं हिस्ट्री प्रिलिम्स के लिए पढ़ रहा हूं कल मैं हिस्ट्री मेंस के लिए पढ़ूंगा ऐसे नहीं पढ़नी एक किताब उठाओ अच्छी किताब उठाओ उसमें प्रलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा ठीक एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी का ट्रेंड है वो चेंज हो गया है बीपीएससी का ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो गया है बीपीएससी के अंदर पहले क्या करता था पहले केवल लूसेंट जैसे क्वेश्चन पूछ लेता था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था अब जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आने लगे हैं अब क्वेश्चन थोड़े से एनालिटिकल आने लगे हैं और आप जब तक प्रिलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ नहीं करोगे जब तक काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है साथ के साथ मान लो भाई इमेजिन करो कि महात्मा गांधी के बारे में बता रहा है कोई टीचर तो महात्मा गांधी के बेसिक फैक्ट भी बता रहा है जन्म कब हुआ माँ कौन थी फादर कौन थे गांधी भारत कब आए गांधी जो है कहां से पढ़े ठीक है और गांधी ने के ने क्या क्या आंदोलन किए कब कब किए इसके अलावा यह भी बता रहा है गांधी के बारे में मेंस पर्सपेक्टिव की भाई गांधी जो है क्यों ना, क्यों जो है गांधी जो है नाइनटीन आप देखेंगे 1920s में एक बड़े लीडर के रूप में गांधी का जन्म हुआ यह क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन पूछेगा मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी के सत्याग्रह गांधी का सत्याग्रह का कंसेप्ट बाकियों से किस तरीके से डिफरेंट है ठीक इस तरीके से मेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो जो टीचर प्रिलिम्स और मेंस की भी तैयारी करवा रहा है ऐसे टीचर से पढ़ो ठीक है अगर केवल प्रिलिम्स वाले से पढ़ते हो तो भी काम नहीं चलने वाला बीपीएससी में और केवल मेंस वाले से पढ़ते हो तो भी काम नहीं चलने वाला तो हमें प्रिलिम्स और मेन्स की तैयारी एक साथ करके कर चलनी है प्रिलिम्स की भी और मेंस की तैयारी हमको दोनों की एक साथ लेकर चलनी है ठीक है तो जब प्रिलिम्स और मेंस की दोनों की एक साथ तैयारी करोगे तभी आपका प्रिलिम निकलेगा और फिर तभी आपका मेंस निकलेगा ठीक है अगर अलग अलग तैयारी करते हो तो ना तो प्रिलिम्स निकलेगा और ना मेंस निकलेगा तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस प्रिलिम्स और मेंस दोनों एक साथ लेकर चलने हैं आपको ठीक है तो ये हमने देखा भाई हमने देखा पॉलिटी का है जीएस uh, टू की बात करें तो जीएस टू में तीन क्वेश्चन है पॉलिटी के पहले क्वेश्चन में कोई जो है आपको चूज नहीं करना है केवल यही क्वेश्चन करना है सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं, मैं करूंगा और थर्ड क्वेश्चन में भी आपको चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं करूंगा सभी क्वेश्चन अड़तीस अड़तीस मार्क्स के हैं। सभी क्वेश्चन जो है अड़तीस अड़तीस मार्क्स के फिर उसके बाद हम सेक्शन टू में आते हैं ठीक है जीएस पेपर टू के फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन रिलेटेड है होल सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये देखिए यहां लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगी आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है ठीक है मेंस के अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी फोकस करना है अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन ज्योग्राफी आएगी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंसेप्ट को जानोगे आज आप जानोगे भाई अर्थ की फॉर्मेशन जियोमोरफोलॉजी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ठीक है जब आप जानोगे जो है जब आप जानोगे इन चीजों के बारे में क्लाइमेटोलॉजी ओशन ज्योग्राफी तभी तो आप इंडियन ज्योग्राफी को देख सकते हो ठीक है तो हमें इसीलिए प्रिलिम्स और मेन्स की तैयारी एक साथ करके चलनी है फिर उसके बाद भाई इसके बाद हम बात करते हैं तो आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आएगा फिफ्थ क्वेश्चन भी इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लेकिन इसमें हमको जो है चूज कर सकते हैं क्वेश्चन भी इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आएगा और इसमें हम चूज कर सकते हैं ठीक है फिर आते हैं उसके बाद जो है सातवें और आठवें क्वेश्चन पे आते हैं सातवें और आठवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कवरिंग होल सिलेबस ऑफ रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी साइंस एंड टेक्स रिलेटेड आएगा सिंपली क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स रिलेटेड आठवा क्वेश्चन फिर साइंस एंड टेक्स रिलेटेड लेकिन आठवें क्वेश्चन में आपको चूज करना होगा आठवें क्वेश्चन में आपको चूज करना होगा देखो भाई अगर मैं जीएस वन uh, और जीएसटू का टोटल कंक्लूजन निकालू तो पहला जो पेपर है जीएस वन के पेपर में तीन क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ठीक है और पहले पेपर में तीन क्वेश्चन और आएंगे तीन क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएंगे तीन क्वेश्चन जो है तीन क्वेश्चन आपके आएंगे तीन क्वेश्चन आएंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड तीन क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो तीन क्वेश्चन है तीन अगर बात करें, तो रिलेटेड तो आएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे और दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके आएंगे इससे रिलेटेड स्टेटिकल एनालिसिसन के अंदर तीन हिस्ट्री तीन जो है आपके करंट अफेयर और दो क्वेश्चन एनालिसिस फिर उसके बाद जीएसटू की बात करें जीएसटू की बात करें तो जीएसटू के पेपर में आपके जीएसटू के पेपर में आपके तीन क्वेश्चन आएंगे तीन क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ठीक है और तीन क्वेश्चन आएंगे आपके इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और दो क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस एंड से रिलेटेड दो क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस एंड से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके related, दो आएंगे, आएंगे. फिर उसके बाद भाई अगला जो हम बात करें ऐसे की हम बात करते हैं तो अब की बार एक बदलाव हुआ है जैसे कि आप जानते हैं कि अब की बार जो है ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और आपका जो है ऐसे इंक्लूड किया गया ऐसे इंक्लूड किया गया है अब ऐसे का फॉर्मेट देखते हैं ऐसे का फॉर्मेट देखें तो ऐसे राइट, राइट एनी वन एस आउट ऑफ द गिवन टॉपिक ठीक है राइट एनी वन एस आउट ऑफ द गिवन टॉपिक तो आपको एक ऐसे लिखना है गिवन टॉपिक से ठीक है हंड्रेड मार्क्स का और सेक्शन टू में भी हंड्रेड मार्क्स का और सेक्शन थ्री में भी हंड्रेड मार्क्स का तो कुछ टॉपिक आपको दिए होंगे उनमें से एक ऐसे आपको लिखना है एक ऐसे आपको लिखना है इसमें भी तीन सेक्शन होंगे सो सौ मार्क्स के तीन सेक्शन इसके अंदर जो है वो बताए गए हैं ठीक है उसके बाद भाई जो है सेक्शन तीन की अगर बात करें तो सेक्शन तीन में बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होंगे द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट ठीक है तो ये जो सेक्शन है इसके क्वेश्चन जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में होने चाहिए एंड इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू रोमन स्क्रिप्ट ठीक है ये आपका जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में यानी जो हिंदी की जो लिपि है उसमें लिखा जाना चाहिए जो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक है सेक्शन तीन के अंदर फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं भाई उसके बाद जो है ये आपका सिलेबस है ये आपका टोटल सिलेबस रहेगा मेंस के लिए ये आपका मेंस के लिए सिलेबस रहेगा ठीक है तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और अगर आप सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आप मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रिलिम्स और मेंस को आप एक साथ लेकर चले ठीक है मैं अपनी तरफ से प्रिलिम्स और मेंस को हमेशा एक, ला, एक साथ लेकर चलता हूं ठीक है अभी तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन प्रीवियस ईयर के

रानी कह रही है सराब वाई टी पर अंकुर नाज इजहार नहीं वाई टी पर मैंने करवाई है हिस्ट्री ऐसी बात नहीं है हम वाई टी पर नहीं करवाते वाई टी पर आप चेक कर सकते हैं मैंने बीपीएससी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं बिहार अड्डा में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को बड़े अच्छे से कंप्लीट करवाया है वहां से भी आप देख सकते हैं ठीक है मैंने मैं प्रम्स और मेन्स को एक साथ लेकर चला हूं और अगर आपने वो केवल YouTube वाली भी पढ़ी है ना तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं वहां से बाहर आएगा बड़ा अच्छे से हमने डिस्कस किया है और आगे भी हम इस तरीके से डिस्कस करते रहेंगे ऐसी बात नहीं ठीक है तो ये भाई अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की एप को आप डाउनलोड कर ले बिहार अड्डा को आप सब्सक्राइब कर ले तो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे कल की क्लास की अगर बात करें तो कल की क्लास में हमने बात कर ली थी हमने जो 68 भी आपकी एग्जाम हुआ है बारह फरवरी को उसके जितने भी पच्चीस छब्बीस क्वेश्चन आए हैं आपका 30 सितंबर को एग्जाम हुआ था भी का, उसके क्वेश्चन और एक जो सड़सठवी बीपीएससी का पेपर है जो कैंसिल हो गया था वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन कहता है भाई सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की YouTube पर थ्योरी क्लासेस जो है स्टूडेंट ये आप लगा सकते हैं कि पांच से छह दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा थ्योरी क्लासेस पांच से छह दिन में स्टार्ट हो जाएगा बताएं भी क्या आंसर होगा सरदार उधम सिंह ने ये क्वेश्चन पूछा गया है तीस सितंबर वाली बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है सड़सठवीं बीपीएससी का जो एग्जाम था क्वेश्चन कहता है कि सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की देखो भाई अगर हम बात करें 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग से रिलेटेड दो अधिकारी हैं भाई एक अधिकारी नहीं है दो अधिकारी और दोनों का नाम डायर है दोनों का नाम डायर है एक डायर है जनरल रेजिनाल्ड डायर एक है जनरल रेजिनाल्ड डायर ठीक है ये वो डायर है जिसने गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग के अंदर तेरह अप्रैल उन्नीस को और एक डायर है माइकल ओडायर एक डायर है माइकल ओडायर यह माइकल ओडायर जो है उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिस टाइम पे यह हत्याकांड हुआ उस टाइम पे यह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का ठीक है क्वेश्चन कहता कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की तो उधम सिंह ने जिसने गोलियां चलवाई उस डायर की हत्या नहीं की उधम सिंह ने हत्या की 1940 में जो डायर उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब यह घटना हुई तो उधम सिंह को लगा कि भाई यही असली गुनेगार है ठीक है हमको बड़ी मछलियों को मारना चाहिए छोटी मछलियों की जगह तो सरदार उधम सिंह ने जिस डायर की हत्या की वो माइकलो डायर था 1940 के अंदर 1940 में सरदार उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी 1940 में इसकी हत्या की थी 1940 में जो है सरदार उधम सिंह ने हत्या की थी माइकल ओडायर की कब की थी 1940 में 1940 में ठीक है ये इसके घर पर रहा कुछ दिन माइकल ओडायर के घर पे जो है इस तरह एक तरीके से नौकर का काम किया और उसके बाद जो है घर पे नहीं मारा घर पे मार सकता था सरदार उधम सिंह लेकिन इसने पब्लिक के सामने जो है इसको मारा माइकल ओडायर को ठीक है और विदेशों की बात करें तो विदेशों में दो इंपोर्टेंट जो है हत्याएं हुई थी विदेशों के अंदर एक तो उधम सिंह ने हत्या की थी एक हत्या विदेश में उधम सिंह ने की थी माइकलो डायर की और एक जो है करजन वैली की हत्या हुई थी मदन लाल ढिंगरा ने मदन लाल ढिंगरा ने करजन वैली की हत्या की थी मदन लाल ढिंगरा ने की थी लंदन और ये सब जो है ना ये ब्रिटेन में हुई थी हत्याएं ढिंगरा मदन लाल ढिंगरा ने जो है वो करजन वैली की हत्या की थी मदन लाल ढिंगरा ठीक है करजन वैली की हत्या की थी तो दो इंपोर्टेंट हत्याएं विदेशों में हम देखते हैं प्रियंका कह रही सर सिक्सटी एट बीपीएससी का एनालिसिस करवाएगा नहीं कि आप तो सिक्सटी एट बीपीएससी का स्टूडेंट आप कल की क्लास में मैंने करवाया है कल मैंने सवा घंटे की क्लास ली थी तो कल की क्लास में आप देख सकते हैं कंप्लीट अड़सठवीं बीपीएससी का एनालिसिस मैंने किया है किस तरीके से क्वेश्चन आए थे आप कल की क्लास एक बार अटेंड कर लें उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ 1931 में 1932 में 1929 में या 1930 में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ बताओ भाई प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ कौन बताएगा प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ गांधी समझौते की बात करें तो सविन्य अवज्ञा आंदोलन भाई कब से कब तक चल रहा था अगर हम बात करें सविन्य अवज्ञा आंदोलन की सविन्य अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो सविन्य अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 से लेकर 1934 तक सविन्य अवज्ञा आंदोलन रहा और सविन्य अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें अगर हम बात करें सविन्य आंदोलन की तो इसी आंदोलन के दौरान कई सारी चीजें हुई आप देखते नाइनटीन थर्टी के अंदर जो है आप देखते पहला गोलमेज सम्मेलन होता है पहला गोलमेज सम्मेलन होता है और जब पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो जाता है तो यह जरूरत पड़ती है भाई हमको अब जो है कांग्रेस की जरूरत है ठीक है कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करवाना है ठीक है जब तक कांग्रेस शामिल नहीं होंगी जब तक गांधी शामिल होंगे जब तक भारतीयों से बातचीत जो है सफल नहीं हो सकती तो ये गोलमेज सम्मेलन क्यों रहे थे एक कानून लाना था ठीक है साइमन कमीशन आया था उसकी रिपोर्टों को जो है उसकी 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 रिपोर्टों को देखना था और एक नए कानून के लिए कार्रवाई चल रही थी जो उन्नीस में आएगा तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भारत के नेता भी जो है ब्रिटेन गए हुए थे लंदन गए हुए थे शामिल होने के लिए लेकिन कांग्रेस नहीं थी जब पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया तो इसके बाद जो है ये जरूरत पड़ी कि भाई कांग्रेस को और गांधी को इनवाइट करो और गांधी ने सविन्य अवज्ञा आंदोलन गांधी कर रहे थे तो गांधी के साथ एक डील की लॉर्ड इरविन ने जैसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है गांधी इरविन समझौता कहा जाता है गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें तो कब से कब तक हुआ गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता जो है पांच मार्च उन्नीस को हुआ मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 को ठीक है इरविन कौन थे इरविन उस टाइम पे भारत के वायसराय थे और गांधी के बीच में समझौता हुआ समझौते में क्या हो गई समझौते बस आपस में जैसे समझौता होता है कुछ बात गांधी ने इरविन की मान ली कुछ बात इरविन ने गांधी की मान ली ठीक है गांधी ने कहा ठीक है भाई मैं सभी अवज्ञा थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर लूंगा थोड़े दिनों के लिए और मैं ब्रिटेन में आऊंगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस भी भाग लेगी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और बदले में इरविन ने कहा ठीक है भाई मैं राजनीतिक कैदियों को यानी जिन्होंने हिंसा नहीं की है उन कैदियों को छोड़ दूंगा और इसके अलावा नमक तुम पर्सनल यूज के लिए बना सकते हो ठीक है इसके अलावा तुम विदेशी कपड़ों का शराब का बहिष्कार भी कर सकते हो तो कुछ चीजें इरविन ने मान ली कुछ चीजें गांधी ने मान ली कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर कोई फैसला नहीं हो पाया जैसे भगत सिंह की फांसी कुछ ही दिनों के बाद भगत सिंह को फांसी मिलनी थी पांच मार्च नाइनटीन को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ तेईस मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी आप सभी जानते हैं वैसे चौबीस तारीख थी दिन लेकिन एक तारीख पहले ही दे दी गई थी भगत सिंह को फांसी तो भगत सिंह और साथियों की फांसी को उम्र कैद में बदलने की गांधी ने बात तो कही लेकिन इरविन ने इसको रिजेक्ट कर दिया और फिर भी गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए तो ये गांधी जी की गलती मानी जाती है तो गांधी इरविन समझौता पांच मार्च 1931 को हुआ 1931 को गांधी इरविन समझौता पांच मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है क्वेश्चन कहता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया जेबी कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या मोतीलाल नेहरू के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया कौन बताएगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बताए भाई बारदोली सत्याग्रह की अगर बात करें भाई तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात केंद्र है बारदोली ठीक है बारदोली सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा चेहरा है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह का सबसे बड़ा चेहरा है और बारदोली में क्या हुआ था बारदोली में एक अकाल पड़ा था भाई नाइनटीन 25 के करीब बारदोली में अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने के बाद भी इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने जो लगान है वो बढ़ा दिया अकाल पड़ने के बाद भी लगान बढ़ा दिया तो इसको लेकर सरदार पटेल ने 1928 में एक बड़ा सत्याग्रह किया बारदोली के अंदर और इस सत्याग्रह में इनडायरेक्ट रूप से गांधी भी शामिल थे गांधी ने की एक मैगजीन होती थी यंग इंडिया गांधी की एक मैगजीन होती थी यंग इंडिया तो गांधी ने यंग इंडिया अपनी मैगजीन के अंदर जो है इसके बारे में बड़ी चर्चाएं करी गांधी ने यंग इंडिया के अंदर गांधी ने बड़ी चर्चाएं करी बारदोली सत्याग्रह के बारे में तो बारदोली सत्याग्रह तो नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया इसके बाद भाई 1946 में भेजे गए कैबिनेट मिशन योजना का कौन हिस्सा नहीं था 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया उसका हिस्सा कौन को, कोई नहीं था देखो तो फिलहाल जो है ना जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेकर चले भाई कुछ दिन तक एक महीने तक मैं कम से कम आपको एडवाइस करूंगा ठीक है जैसे आपका मार्च मार्च का जो महीना है कैसा भी आपका एग्जाम हुआ नो no मैटर कि आपका एग्जाम खराब हुआ है अच्छा हुआ है भूल जाओ आप केवल जो है मेंस को आप साथ में लेके चलो ठीक है मेंस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ठीक है प्रीलिम्स और मेंस तो आपको हमेशा साथ में लेकर चलना है लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह है जो जो डिफरेंट सेक्शन है मेंस के उनको भी आपको साथ में लेकर चलना है ठीक है जैसे आप जो है डेली आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर में जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो सड़सठवीं बीपीएससी में मेंस में के अंदर पूछे गए थे उन क्वेश्चन को एक बार लिखने की कोशिश करो उसको कैसे लिखा जाता है कितने वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है तो आपको कहीं ना कहीं मेंस का नजरिया कुछ दिन आपको रखना है ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सारी चीजें आपको कुछ दिन रखने कैसा भी आपका एग्जाम हुआ हो ठीक है और बाकी अगर जीएस की तैयारी करें तो जीएस की और प्रेन्स की दोनों की एक साथ तैयारी होगी आपकी आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कहता है उन्नीस में भेजे गए कैबिनेट मिशन योजना का हिस्सा कौन नहीं था देखो भाई ब्रिटेन के अंदर जो है क्या हुआ था कि ब्रिटेन के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जब ओवर हो गया तो इसके बाद हम देखते पार्टी चेंज हो जाती है कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी आ जाती है कंजर्वेटिव पार्टी की जगह जो है लेबर पार्टी की सरकार आती है और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के नए पीएम बनते हैं जिनका नाम था क्लेमेंट एटली अब ये क्लेमेंट एटली जो है पहले आंदोलन करते थे कि भारत को आजाद करो अब वही व्यक्ति क्या बन गया वही व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया तो क्लेमेंट एटली जो है अब भारत की आजादी की डायरेक्शन में कुछ अच्छे कदम उठाते हैं यह एक मिशन भेजते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन भेजते हैं कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं और इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान सभा अगर आपसे पूछे किस मिशन के तहत संविधान सभा गठन किया गया तो 1946 में ही जो है संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत विधानसभा गठन किया जो सभा बनी तो उस टाइम पे हमारा देश आजाद नहीं था हमारा देश आजाद जो है 1947 में होगा तो संविधान सभा जब बनी जब हमारा देश आजाद नहीं, नहीं था लेकिन 1947 में हमारा देश आजाद होगा तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भेजा गया इसके जो मेंबर है वो करालो आप याद रख सकते हैं करालो ऐसे याद रख लो इसके जो मेंबर है करालो एक मेंबर है क्रिप्स इसके मेंबर है क्रिप्स इसके मेंबर में एक इसके मेंबर है अलेग्जेंडर क्रिप्स एलेक्जेंडर और लॉरेंस क्लिप्स एलेक्जेंडर और लॉरेंस इसके मेंबर है लॉरेंस इसके मेंबर है क्लिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस आगे फिर हम बात करते हैं आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा क्रिप्स एलेक्जेंडर भी है लॉरेंस भी है क्रिप्स भी है क्या आंसर होगा रैमसे मैकडोनाल्ड नहीं है रैमसे मैकडोनाल्ड जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं है आगे फिर हम बात करते भी क्वेश्चन कहता सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था 30 को जो एग्जाम हुआ था क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया बताओ भाई सुभाष चंद्र बोस ने देखो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बीपीएससी की अगर हम बात करें तो बीपीएससी पता नहीं क्यों रिपीट करती है कुछ क्वेश्चन को बीपीएससी हर साल पूछती है ठीक है चाहे तो वो ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है कितना अवेयर हैं तो बीपीएससी चोरी चोरा हर साल पूछती है हर साल चोरी चोरा आप उठा लो अड़सठवीं बीपीएससी में चोरी चोरा पूछा गया लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से पूछा गया था स्टेट चार स्टेटमेंट थी अड़सठवीं बी पी में पहली स्टेटमेंट थी कि गांधी ने गांधी ने जो है गांधी को पहली बार उन्नीस में जेल में डाला गया गांधी ने चोरी चोरा के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया

चंपारण सत्याग्रह ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बीपीएससी लगभग घुमाता फिरता इन्हीं क्वेश्चन के अराउंड घुमाता रहता है आगे फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया दे? देखो भाई सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो फोर्थ रैंक आई थी भाई इनकी फोर्थ रैंक आई इनकी आईसीएस के एग्जाम के अंदर आईसी के एग्जाम के अंदर और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनके गुरु माना जाता है सीआर दास को सी दास एक काफी बड़ा चेहरा थे बंगाल के अंदर और सी आर दास चित्रंजन दास की डेथ के बाद बंगाल में एक बड़ा चेहरा जो है सुभाष चंद्र बोस और जेम्स एन गुप्ता दो बड़े चेहरे हमको बंगाल में नजर आते हैं सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी जमकर भाग लिया भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जमकर भाग लिया लेकिन गांधी ने जो चोरी चोरा की घटने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कई सारी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां की करीब करीब नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन के करीब इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था क्रांतिकारी घटनाओं के कारण ठीक है, उसके बाद अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो दो बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थर्टी एट में हरिपुरा के सेशन के अंदर हरिपुरा और नाइनटीन थर्टी नाइन में त्रिपुरी के सेशन के अंदर दो बार जो है त्रिपुरी के अंदर दो बार ये प्रेजिडेंट रहे 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 1939 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं तुम किस नाम से जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं उसके अलावा अगर बात करें तो 1939-40 फोर्टी के करीब एक मूवमेंट ये चला रहे थे होलवेल मूवमेंट ठीक है होलवेल मूवमेंट जो है कलकत्ता के अंदर जो है एक स्मारक बना हुआ था होलवेल के नाम से उसको हटाने की मांग कर रहे थे ठीक है जो ब्लैक होल ट्रेजरी आपने पढ़ी होगी सिराजु के टाइम पे उस टाइम में एक होलवेल नाम का आदमी था उसकी याद में कुछ बना रखा था उसको हटाने का डिमांड कर रहे थे उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद जो है अगर हम देखे सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर भाग गए थे नाइनटीन के करीब और उसके बाद हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है अफगानिस्तान के रास्ते मॉस्को के रास्ते जर्मनी पहुंचते हैं जर्मनी में इंडियन लीजन की फॉर्मेशन करते हैं भारतीय सैनिकों को अपने साथ लेकर जो कैदी भारतीय सैनिक थे फिर जर्मनी में बात नहीं बनती तो जर्मनी से ये जो है जापान की सहायता लेते हैं सिंगापुर में आजाद हिंद की कमान संभालते हैं और इन्होंने अंडमान द्वीप पे जब ये पहुंचे तो अंडमान द्वीप का नाम बदलकर इन्होंने स्वराज और शहीद द्वीप कर दिया था स्वराज और शहीद द्वीप जो है अंडमान निकोबार का नाम इन्होंने बदलकर कर दिया था फिर कहता है फरवरी 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंस किस जगह पे हुआ था क्वेश्चन पूछा गया था 67वी बीपीएससी में फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड किस राज्य में हुआ जिसमें पुलिस अधिकारी मारे गए फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड किस जगह में हुआ जिसमें पुलिस अधिकारी मारे गए फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड किस जगह पे हुआ देखो भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात करें असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ऐसा योग आंदोलन कब से कब तक हुआ एस सहयोग आंदोलन जो है वो हुआ 1920 से लेकर 1922 तक 1922 ठीक है एस सहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा कहा जा रहा था गांधी जो है बारदोली के अंदर थे और गांधी को कहा जा रहा था कि बारदोली से गांधी एक नया कैंपेन शुरू करने वाले थे बारदोली से एक नया अभियान न्यू अभियान एक शुरू करने वाले थे नो टैक्स कैंपेन का नो टैक्स कैंपेन एक अभियान शुरू करने वाले थे नो टैक्स के खिलाफ कोई टैक्स नहीं देना भाई कोई टैक्स नहीं देना ऐसा अभियान शुरू करने वाले थे गांधी लेकिन तभी घटना आते तभी जो है फरवरी 1922 की बात है फरवरी 1922 में एक घटना होती है जिसे हम चोरी चोरा की घटना बोलते हैं चोरी चोरा की जो कांड है वो हुआ था गोरखपुर यूपी के अंदर गोरखपुर यूपी में ये कांड हुआ और जो व्यक्ति से रिलेटेड एक व्यक्ति है भगवान अहिर भगवान अहिर नाम का व्यक्ति जो है इस कांड से रिलेटेड है तो सिंपली ऐसा हुआ था कि भगवान अहिर के को पुलिस वालों ने मार दिया लाठियां बरसा के, और उसके बाद भगवान अहिर के रिश्तेदारों ने और भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी ठीक है बाईस तेईस इस पुलिसकर्मी पुलिस इसके अंदर मारे गए इस कांड के अंदर और जब गांधी को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे चोरा चोरी का कांड हो गया तो गांधी ने इसको कहा भाई ये आंदोलन नहीं रहा तो एक हिमालयन ब्लंडर हो गया है तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि किस आंदोलन को गांधी ने हिमालयन ब्लंडर कहा आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि किस आंदोलन को गांधी ने हिमालयन ब्लंडर कहा तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चोरी चोराई घटना के बाद गांधी ने हिमालयन ब्लंडर कहा चोरी चोराई घटना से रिलेटेड कौन व्यक्ति था भगवान अहिर नाम का व्यक्ति था चोरी चोरा कांड कहां पर हुआ गोरखपुर यूपी में हुआ जो चोरी चोरा कांड हुआ तो गांधी कहां पर थे बारदोली में थे बारदोली में एक नए नय... टेक्स कैंपेन की तैयारी कर रहे थे चोरा चोरी कांड कब हुआ फरवरी 1922 में तो यहां से आपके सात आठ क्वेश्चन बनते हैं और चोरा चोरी से हर साल क्वेश्चन आता है भाई ये आप देखो चोरा चोरी से इसमें भी क्वेश्चन आया है में में भी में भी आया है में भी आया है अब बीपीएससी क्यों पूछता है हर साल चोरा चोरी मुझे नहीं पता ठीक है बीपीएससी को क्यों जो है बहुत प्यारा लगता है चोरा चोरी लेकिन चोरा चोरी से क्वेश्चन हर साल आता है अब की बार भी आया अड़सठवी बीपीएस में भी आया है चोरा चोरी ठीक है आप देखो क्वेश्चन उठा के ठीक है अड़सठवीं बीपीएससी में स्टेटमेंट की फॉर्म में आया है और सड़सठवीं भी, भी, भी आया था ये आप, आपके सामने है ठीक है बहुत बार कई क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं पांच क्वेश्चन तो ऐसे हैं मैं आपको बता हर बार बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा मैंने एग्जाम से पहले ही बताया था और वहीं से क्वेश्चन आते हैं पांच क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर ऐसे हैं आगे फिर हम बात करते हैं भाई आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर कहता कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है बताओ भाई देखो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो पहला स्टेप होता है एग्जाम का सिलेबस देखना पहला स्टेप है कि एग्जाम का सिलेबस देखना दूसरा स्टेप है कि एग्जाम का प्रीवीसीयर का पेपर देखना प्रीवीशियर का पेपर आप एक बार पढ़ लो पूरा आपको कुछ भी नहीं आता हो तो प्रीवीशियर का क्वेश्चन पढ़ लो ठीक है देखो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप वो एक मैं मैं चीज बताता हूं कि आपको साइकिल चलानी कैसे है आप बचपन में छोटे थे तो आपको कोई ट्रेनिंग ली थी आपने साइकिल चलाने की ठीक है एक चीज में बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट काम आएगी आपकी आपका यू लगा लो कि आपका एग्जाम आपकी लाइफ चेंज कर सकती है वो चीज ठीक है आपने अगर मेरी ये दो तीन मिनट की बात सुन ली बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक बात बताओ मेरे को कि आपने जब साइकिल सीखी बचपन में कमेंट में लिख के बताओ कि आपने कोई ट्रेनिंग ली थी साइकिल सीखने की बताओ भाई कोई ट्रेनिंग ली थी स्टूडेंट मेरी क्लासेस डेली आठ बजे लाइव होती है तो बताओ मेरे को कमेंट में लिख के कि जब आपने साइकिल की क्या कोई आपने, ली, नहीं, आपने कोई नहीं ली कैसे आपको साइकिल चलानी आ गई बचपन में आपको साइकिल ऐसे चलानी आ गई कि आपने क्या किया आप बस साइकिल पे बैठते थे और आप जो है फिर चलाने की कोशिश करते थे ठीक है आप कई बार गिरे भी ठीक है आपको कोई आपने ट्रेनिंग नहीं ली आप क्या करते थे आप ये नहीं सोचते थे मैं गिरूंगा मैं मरूंगा आप सीधा साइकिल में जो है किसी तरीके से उस पर बैठने की कोशिश करते थे और गिर जाते थे ठीक है ऐसे ही करते करते एक दिन आपको साइकिल चलानी आ गई ठीक है ऐसे ही करते करते आपको साइकिल चलानी आ गई ठीक है आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग ली आप स्कूल में गए स्कूल में आपने साइकिल सीखी साइकिल का पहला स्टेप ये होता है साइकिल का दूसरा स्टेप होता है यही चीज एग्जाम में होती है यही चीज एग्जाम में होती है आप कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप जैसे आप ये सोचोगे मैं पूरी तरीके से मैं एग्जाम के अंदर मैंने मेरी बेस्ट तैयारी हो गई फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा फिर मैं जो है ना फिर मैं एग्जाम को दूंगा एग्जाम में, में मेरे जो है ना सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे जो आप स्टोरी बनाते हो ना इस तरीके से इस तरीके से कभी लाइफ नहीं चलती ठीक है लाइफ कैसे आपका आपको क्या करना है आपको फाइट करने की कोशिश करनी है ठीक है फाइटिंग स्प्रिट होनी चाहिए जैसे आपने क्या किया आप पहली बार आप बीपीएससी की तैयारी करने करनी आपने शुरू की इमेजिन करो कि आपने बीपीएससी की तैयारी करनी शुरू की तो आपने शुरुआत में क्या किया मैं प्रीलिम्स के पेपर आपने सीधा वेबसाइट पे डाला कि बीपीसी के प्रीलिम्स के पे, पेपर और आपने उसको पेपर को देखा और आपने सोल्व करने की भी कोशिश करी कि भाई मैंने मैंने आज तक जो भी पढ़ा है मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ठीक आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप बीपीसी का क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है ये है फाइटिंग स्प्रिट यह फाइटिंग स्पिरिट ये हमको चाहिए ऐसे ही मेंस के अंदर मेंस में बड़ी काम आएगी मान लो आपका फिल्म का पेपर क्लियर होगा मेन्स के अंदर आपको फाइटिंग स्प्रिट आपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया पहला ही दिन ठीक है कोई आपकी तैयारी नहीं है आपने पहला पेपर उठाया मेन्स का और मेन्स के पेपर को आपने देखा हाँ भाई ये ये मैं इस पेपर को मैं क्वेश्चन को करके देखूंगा ठीक है तो आपने फाइट किया आपको नहीं आता फिर भी आपने फाइट किया और ये अगर फाइटिंग स्प्रिट आपके अंदर डेवलप हो गई तो स्टूडेंट जो है आप देखना कि आपका लाइफ चेंजिंग मूवमेंट रहेगा ठीक है आपको हमेशा फाइट करने की कोशिश करनी जैसे आपने साइकिल नहीं आती थी मैंने भी साइकिल ट्राई करने की कोशिश करी मैं गिरा कोई बात नहीं ठीक है लेकिन हमने ट्राई करने की कोशिश करी तो ये आप हमेशा ट्राई करने की कोशिश करें फाइट करने की कोशिश करें क्वेश्चन के साथ चाहे वो प्रम्स के हैं मेन्स के हैं ये नहीं सोचना कि मैं भाई पूरी ट्रेनिंग के बाद जो है मैं फिर साइकिल चला नहीं सकूंगा ऐसे अगर करोगे तो कोई जो है फायदा नहीं होगा ठीक है बहुत सारी चीजें खराब हो जाएगी ठीक है आगे फिर हम बात करें तो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आपको शुरू से ही करनी है शुरू से ही करनी है प्रीविसियर पेपर सबसे पहले देखने किसी भी एग्जाम की तैयारी में सबसे पहला स्टेप होता है प्रीविसियर के पेपर प्रीविसियर के पेपर अगर आपने पांच साल के देख लिए तो आपको एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है मुझे टॉपिक में कितना डीप जाना है ठीक है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में बोलना शुरू कर देगा जब प्रीवी सर के पेपर आप करोगे तो आपका दिमाग अपने आप बोलना शुरू कर देगा हाँ भाई ये चीज मत पड़े ये प्रीवी में नहीं आती प्रीवी में जो है इस तरीके से क्वेश्चन आए थे तो ये तरीके तरीक, चीजें जो आपको ज्यादा पढ़नी है तो प्रीवी सर के पेपर सबसे मेन है सबसे शुरुआत में आपको इसको करना है तो आगे फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो सिमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल खान को खान अब्दुल खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है एक आंदोलन सविन्य आंदोलन इसी आंदोलन के दौरान एक फेमस पर्सनैलिटी हुए थे खान अब्दुल खान। अब अब्दुल खान की बात करें तो अब्दुल खान, खान को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है सीमांत गांधी ठीक है खान अब्दुल खान की बात करें तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिस मूवमेंट को बोलते रेड शर्ट मूवमेंट एक मूवमेंट शुरू किया था इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था ठीक है सिविल मूवमेंट के दौरान Province, के गांधी जो है, वो कर रहे थे रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया था और इसी रेड शर्ट मूवमेंट को मूवमेंट भी कहा जाता है इसी रेड शर्ट मूवमेंट को खुदाई खिदमतदार मूवमेंट भी कहा जाता है खुदाई खिदमतदार मूवमेंट भी कहा जाता है खुदाई खिदमतदार मूवमेंट भी इसे कहा जाता है देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा आंदोलन के दौरान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कौन आंदोलन करा था खान अब्दुल गफ्फार खान किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, को, को है? रेड शर्ट मूवमेंट जो है किसने शुरू किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने ठीक है रेड शर्ट मूवमेंट को और क्या कहा जाता है खुदाई खितमतार मूवमेंट कहा जाता है ठीक है आगे फिर हम बात करते हैं फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई यह क्वेश्चन भी सड़सत्वी बीपीएससी में पूछा गया था जो 30 सितंबर को हुआ था अक्टूबर में नहीं 30 सितंबर को, तो को हुआ था एग्जाम तो सड़सठवीं बीपीसी जो 30 सितंबर को हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई क्वेश्चन पूछा गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई कौन बताएगा बताओ morning, भाई गुड मॉर्निंग एनडी परवेज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई ठीक है देखो भाई कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रिलिम्स के अंदर आपको कभी नहीं छोड़ने जहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कई बार दो और तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे अब की बार देखो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कम से कम दो तीन क्वेश्चन आए हैं केवल असहयोग आंदोलन से रिलेटेड बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन ठीक है उसके अलावा महात्मा गांधी असहयोग और सविन्य ठीक है यहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और तीन चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक टॉपिक से ठीक है बंगाल अब की बार देखो बंगाल विभाजन से दो क्वेश्चन आए हैं कि के अंदर जो फरवरी फर को था बंगाल विभाजन से दो क्वेश्चन आए हैं महात्मा गांधी से दो से तीन क्वेश्चन आए हैं अब की बार, अगर हम बात करें उसके अलावा हम बात करें ऐसे योग आंदोलन से कम से कम दो से तीन क्वेश्चन ऐसे योग आंदोलन से आए हैं ठीक है और सिविल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं तो आपको ये जो कुछ टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं झांसी की रानी की अगर बात करें तो झांसी की रानी का जो रियल नेम था वो मणिकर्णिका था मणिकर्णिका मणिकर्णिका इसका नेम था ठीक है और झांसी की रानी की बात करें तो इसे मनु भी कहा जाता है झांसी की रानी को मनु भी कहा जाता है झांसी झांसी की की रानी रानी को को ठीक है है मनु भी कहा जाता है। इसकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में वाराणसी में झांसी की रानी का जन्म हुआ और फिर झांसी के राजा गंगाधर राव से इसकी शादी हो गई झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी हो गई भाई और गंगाधर राव का जो है आ, का इनका जो है कोई बेटा नहीं था ओरिजिनल बेटा नहीं था इनका तो उसके बाद आप देखते हैं गंगाधर राव की जब डेथ हो गई तो गंगाधर राव की डेथ के बाद आप देखते हैं कि इनका कोई बेटा नहीं था इसलिए झांसी पर कब्जा कर लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी की नीति थी डॉक्टर ऑफ लेब्स यानी जिसका खुद का बेटा नहीं है उसको शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो लॉर्ड डलहोजी जो है वो झांसी पर कब्जा कर लेते हैं झांसी पर कब्जा कर लेते हैं और 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था पहले तो झांसी की रानी ने झांसी को प्रोटेक्ट किया और जब झांसी झांसी को ये हार गई तो फिर ये ग्वालियर की तरफ बढ़ी थी ग्वालियर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में मराठाओं का जो है कब्जा होता था ग्वालियर में और मराठों में सिंधिया नाम के जो है मराठा होते थे ग्वालियर के अंदर और ये जो सिंधिया है इन्होंने अठारह सो सत्तावनी क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे सिंधिया तो ग्वालियर पर कब्जा कर लेती है झांसी की रानी ग्वालियर पर कब्जा कर लेती है और इसी ग्वालियर में इसी ग्वालियर के अंदर जो है इसकी डेथ हो जाती है ग्वालियर में ही इसकी डेथ हो जाती है तो ग्वालियर में झांसी की रानी की डेथ होती है ग्वालियर के अंदर ठीक है तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा ग्वालियर तो आपसे पूछेगा कि झांसी की रानी का रियल नेम था मनी कर्णी का मनु कहा जाता था

किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में, 1931 में 1920 में या 1934 में पूर्ण स्वराज पर कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया बताओ भाई पूर्ण स्वराज पर एग्जाम में पूछा गया है जो पूर्ण स्वराज है या आपका लाहौर अधिवेशन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है देखो भाई अगर हम बात करें 1927 की अगर बात करें इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था सॉरी भारत आया था ये 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे में पहली बार भारत में आया और जब साइमन कमीशन आया तो हमने विरोध किया साइमन कमीशन का साइमन कमीशन भारत के लिए जो है भारत में फ्यूचर में किस तरीके से जो है बदलाव किए जाएंगे किस तरीके से भारत में स्वैधानिक बदलाव होंगे भारत को और अधिक किस तरीके से फ्रीडम दी जाए इस पर चर, जो है इस पर एनालिसिस करने के लिए साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था और हमने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी जो है वो इंडियन नहीं था सारे के सारे गोरे आदमी थे इसे श्वेत जो है कमीशन भी कहा जाता है ऑल व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है तो हमने क्या किया भाई हमने साइमन कमीशन का विरोध किया तो भारत ने विरोध किया साइमन कमीशन का और जब भारत ने विरोध किया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इन्होंने, इन्होंने चैलेंज दिया इन्होंने चैलेंज दिया, दिया ब्रिक एन हेड नाम था इनका ब्रिक हेड ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिक एन हेड ने चैलेंज दिया इन्होंने कहा भाई तुम केवल जो ना तुम केवल यह कह सकते हो कि भाई

एक डोमिनेंस स्टेटस जो है बनाएंगे भारत को यानी भारत आजाद तो होगा लेकिन ब्रिटेन के अंडर रहेगा तो ये जब मोतीलाल नेहरू ने अपने संविधान ये बात लिखी तो उसके बाद जो है जो है जवान तबका था भगत सिंह जैसा और सुभाष चंद्र बोस जैसा जवाहरलाल नेहरू जैसा ये चिढ़ गए इन्होंने कहा भी आप सपने में तो कम से कम आजादी की बातें करो तुम सपने में भी आजादी की बातें नहीं करते अपनी जो रिपोर्ट तुमने तैयार की उसमें भी ये कह रहे हो कि भारत आजाद कंप्लीट आजाद नहीं होगा तो उसके बाद देश के युवा जो है वो कमान संभालते हैं और 1929 में अधिवेशन होता है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में और लाहौर अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष जवाहरलाल नेहरू सॉरी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है इसी अधिवेशन के दौरान जो है आप देखेंगे इसी अधिवेशन के दौरान जो जो है 31 जो है आप देखेंगे दिसंबर को तिरंगा झंडा रावी नदी के किनारे तिरंगा जो है वो रावी नदी के किनारे जो है रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया जाता है और इसी अधिवेशन में डिसाइड किया जाता है कि छब्बीस जनवरी 1930 को देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को देश में पूर्ण पूर्ण दिवस दिवस मनाया जाएगा छब्बीस गठन नाइनटीन कब हुआ सेवन में हुआ ठीक है फिर ये आ सकता है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत को चैलेंज किया कि वो अपना संविधान नहीं बना सकते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिक एंड चैलेंज किया क्वेश्चन आ सकता है ऑफ स्टेट के के चैलेंज बाद जो है, जो है एक कमेटी बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ठीक है क्यों भाई देश के युवाओं ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी ठीक है नाइनटीन पहली बार कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया 1929 में लाहौर के अधिवेशन में ठीक है और आपसे पूछेगा कि जो है लाहौर के अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के किनारे झंडा फहराया रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर उन्नीस को झंडा फहराया फिर कहेगा कि किस दिन देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था यहीं से 26 जनवरी की इंपोर्टेंस निकलती है आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है तो क्या आंसर होगा नाइनटीन आंसर नाइन इज द राइट आंसर फिर कहता है कि किसने कहा कि बंगाल का बंटवारा हम पर बम की तरह गिरा किसने कहा कि बंगाल का बंटवारा हम पर बम की तरह गिरा देखो भाई बीपीएससी रिपीट करता क्वेश्चन अब की बार आप देखो बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से अड़सठवीं बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन आए हैं आप देखो कम से कम दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन आए हैं बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से और पिछली बार भी बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आया था तो यानी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं बीपीएससी के अंदर अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से कर लो ना पांच से सात साल के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कर लो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उन भी कर लो आप तो आपके जो है हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर कम से कम दस क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे किसने कहा कि बंगाल का बंटवारा हम पर बम की तरह गिरा तो ये कहा ये स्टेटमेंट किसकी थी ये स्टेटमेंट थी बताओ भाई किसने कहा कि बंगाल का विभाजन बम की तरह गिरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये स्टेटमेंट थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल का बंटवारा हम पर बम की तरह तो गिरा बंगाल का बंटवारा हम पर बम की तरह गिरा यह स्टेटमेंट थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ऐसा कहा देखो भाई अगर हम बात करें बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो भाई बंगाल विभाजन क्यों हुआ आपसे मेंस में पूछेगा यह मेंस का क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ अगर मैं आपसे पूछूं मेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में यह नहीं पूछेगा कि बंगाल विभाजन के बारे में बताओ बड़ा अगर बेसिक सा क्वेश्चन बनाना होगा बच्चों वाला तो यह पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन के बारे में बताओ लेकिन यह पूछेगा मेन्स में कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ क्यों बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया उन्नीस में ठीक है उन्नीस में क्यों बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया इसके पीछे कई सारे कारण है ठीक है पहला कारण तो यह है कि लॉर्ड लिटन जो है एक कंजर्वेटिव तरह का आदमी था लॉर्ड लिटन जो उस टाइम पे आप देखेंगे उस टाइम पे भारत का वॉयस राय था 1899 से लेकर 1905 तक इसने कई सारे ऐसे काम किए जो भारत के हित में नहीं थे लॉर्ड लिटन के तो, सॉरी लॉर्ड कर्जन के द्वारा लॉर्ड कर्जन होगा लोड कर्जन लोड कर्जन तो लॉर्ड कर्जन जो है एक कंजर्वेटिव टाइप का आदमी था और लोड कर्जन ने जो है टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ और लॉर्ड कर्जन ने कई सारे ऐसे काम किए जो भारत के हित में नहीं थे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ अब बंगाल के विभाजन के पीछे क्या कारण थे क्यों हुआ बंगाल का विभाजन बंगाल के विभाजन के पीछे कारणों की, तो की अगर हम बात करें तो बंगाल के विभाजन के पीछे कई सारे कारण थे एक कारण यह था कि अंग्रेजों ने कहा अंग्रेजों ने यह कहा अंग्रेजों ने यह कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है अंग्रेजों ने कहा कि इट इज टू बिग टू एडमिनिस्टर टू बिग टू एडमिनिस्टर अंग्रेजों ने कहा कि बहुत बड़ा है प्रशासन की दृष्टि से भैया इतने बड़े पर रूल नहीं कर सकते अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है बंगाल में उस टाइम पे बंगाल भी आता था बिहार भी आता था उड़ीसा भी आता था बांग्लादेश भी आता था असम भी आता था तो अंग्रेजों ने कहा अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर लिए बोला भैया इतने बड़े पर प्रशासन नहीं कर सकते ये बंगाल थोड़ी नहीं तो पूरा देश बन गया है तो इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया ठीक है पहला कारण तो यह अंग्रेजों की क्या राय थी अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमने क्यों बंगाल का विभाजन किया अंग्रेजों ने कहा इट इज टू बिग टू एडमिनिस्ट्रेट लेकिन अगर बात करें रियल कारण की अगर बात करें रियल कारण था रियल कारण इनका क्या था बंगाल के विभाजन का रियल कारण था पहला कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद को कमजोर करना बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद फैल रहा था बंगाल के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी एक देश की भावना फैल रही थी इसीलिए राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना एक कारण था बंगाल के विभाजन का और बंगाल के विभाजन का जो दूसरा कारण है वो है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना ठीक है जो जो पूर्वी बंगाल है जिसे आप बांग्लादेश कहते हो और जो पश्चिमी बंगाल है वो हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पर डिवाइड किया गया था तो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना ये रियल कारण था हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड करना ये जो मेन कारण था तो ये मेंस में पूछेगा कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ ठीक है और प्रिलिम्स में पूछेगा कि बंगाल का विभाजन जो है बंगाल का विभाजन कैसे हुआ प्रिलिम्स में पूछेगा तो बंगाल के विभाजन की अगर बात करें तो जुलाई 1905 में जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की जाती है घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन होगा जुलाई उन्नीस में फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है वो लागू किया, किया जाता है बंगाल का विभाजन लागू किया जाता है ठीक है और इसके बाद आप देखते हैं कि लोग जो है रो -रो रोटी नहीं खाते लोग चूल्हा नहीं जलाते जैसे कोई घर में डेथ हो जाती है ना तो चूल्हा नहीं जलाया जाता अरंदान दिवस मनाया जाता तो लोग अरंदान दिवस मनाते हैं जब बंगाल का विभाजन होता है तो उस समय पे आप देखेंगे गाना आता है आमार सोनार बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का क्योंकि यही गाना भी बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ठीक है इस दौरान शोक दिवस मनाया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के कहने से राखी दिवस मनाया जाता है तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ और ये बंगाल के विभाजन के कारण थे और किसने कहा कि बंगाल का बंटवारा हम पर बम की तरह गिरा यह स्टेटमेंट थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके बाद भाई देखो कुछ क्वेश्चन ये कह, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें में पूछते हैं मुझसे भी पूछा गया था कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ठीक है अरे भाई ये नहीं देखना तुम्हें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इमेजिन करो कि भाई तुमने कोई बिजनेस शुरू किया तुमने कोई बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में तुमको प्रॉफिट होने लगा ठीक है डेली के दस हजार रुपए बन जाते तुम्हारे बिजनेस के अंदर तो तुम ये थोड़ी ना करोगे कहोगे कि नहीं भी दस हजार नहीं लूंगा मैं ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है मैं तो पांच हजार ही लूंगा

उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नेगेटिव जो है आपके आंसर जाएंगे इस, इसके कारण जो सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे तो कभी ये डिसाइड नहीं करना कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कितने नहीं करने हैं ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ठीक है जो क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है मान लो भाई जिस क्वेश्चन के बारे में ये नहीं पता कि आपको कोई आइडिया नहीं है भाई एग्जाम में बैठे और आपने क्वेश्चन देखा और आपको कोई आइडिया नहीं है आपको लगे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं उस क्वेश्चन को छोड़ दो काटा मार दो उस पर ये तो मुझे करना ही नहीं है

आपको देखना है ठीक अगर आपको ज्यादा आते हैं तो ज्यादा अटेम्प्ट करो बिल्कुल नहीं आते तो थोड़े अटेम्प्ट कर लो तो इस तरीके से आपको करना है आगे फिर हम बात करते हैं आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या था खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड को किस स्थान पर मारा खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड को किस स्थान पर मारा मुजफ्फरपुर में मारा गया में मारा पटना में मारा या दरभंगा में मारा बताओ खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड को कहां पर मारा क्वेश्चन पूछा गया है कि खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड को कहां पर मारा बताओ भाई खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड को कहां पर मारा देखो भाई मुजफ्फरपुर के अंदर एक जज होता था किंग्स फोर्ड मुजफ्फरपुर में एक जज होता था किंग्स फोर्ड मुजफ्फरपुर के अंदर एक, एक जज होता था किंग्स फोर्ड मुजफ्फरपुर में एक जज होता था जिसका नाम था किंग्स फोर्ड मुजफ्फरपुर के अंदर एक जज था किंग्सफोर्ड और ये किंग्सफोर्ड जो ना ये हमेशा भारतीयों के खिलाफ ही सुनाता था कुछ भी किंग्सफोर्ड जज बात करेगा तो हमेशा भारतीयों के खिलाफ बात करता था तो दो जवान जवान लड़के थे पंद्रह सोलह साल के ठीक है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इन्होंने डिसाइड किया भाई इसको मारेंगे ठीक है क्या हुआ था कि हमारे देश में आप देखेंगे हमारे देश में जो है एक तरीके से लहर बनी हुई थी उस टाइम पे ठीक 1900 के, 1900 के है कोई गलत नहीं करेगा भारत के खिलाफ तो दो लड़के थे भाई खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी ये दो जवान जवान लड़के 15 15 16 16 साल के खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी इन्होंने क्या किया इन्होंने पकड़ लिया इसको और उसको उसको पकड़ के उसको मार दिया परफुल चाकी ठीक है तो इन्होंने इसको मारने की कोशिश की लेकिन गलती से जो है ना ये नहीं मरा ठीक है गलती से ये नहीं मरा कोई और मर गया ठीक है इसकी जगह पे इन्होंने गाड़ी पे बम फेंका लेकिन ये नहीं मर पाया कोई और मर गया तो क्या हुआ कि इसके बाद जो परफुल चाकी उसने तो सुसाइड कर लिया भाई कि भाई अब क्या फायदा मैंने गलती से किसी और को मार दिया और खुदीराम बोस को सबसे थोड़ी उम्र में फांसी दी गई थी उसको फांसी दे दी गई तो खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड को मुजफ्फरपुर में मारा था मुजफ्फरपुर में मारा था फिर कहता है अगला क्वेश्चन कहता है भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है लोथल है डाबरकोट है कालीबंगा है या राखी गढ़ी है कौन सा हड़प्पा का स्थल जो है वो गुजरात में आपको बताने निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है तो गुजरात में प्रेजेंट है इनमें से लोथल लोथल गुजरात में प्रेजेंट है गुजरात में लोथल प्रेजेंट है गुजरात में कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है कालीबंगा जो है राजस्थान में है और अगर हम बात करें राखी गढ़ी की हरियाणा अंदर है राखी गढ़ी जो है ना पूरी जितनी भी सिंधु घाटी की साइड है सब में बड़ी है राखी गढ़ी ठीक है राखी गढ़ी लोथल जो है वो गुजरात में है लोथल की अगर बात करें तो लोथल को कैसे याद रखोगे लोथल को याद करने का तरीका बताता हूं लोथल को याद करने का तरीका है लोथल को लोथल को याद करने का तरीका है भगवा रंग का गज भगवा रंग का गज भगवा रंग का गज, गज। ठीक है तो लोथल की अगर बात करें किस नदी के नदी के किनारे है तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है भोगवा नदी के किनारे है लोथल की अगर बात करें तो लोथल की खोज करी रंगनाथ राव ने लोथल की खोज किसने करी लोथल की खोज करी रावने। रंगनाथ राव ने रंगनाथ राव ने इसकी खोज की और ये कहां पर है लोथल गुजरात के अंदर है लोथल कहां पर है गुजरात के अंदर है ठीक है लोथल अपने डोकयार्ड यानी जो है डोक के लिए भी जाना जाता है जहां पर जहाजें खड़ी होती हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से एक तरीके से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मेंस के क्वेश्चन क्या बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब एंसियंट और मेडिवल हिस्ट्री से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछेगा जो मेंस के अंदर एनशियंट केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही डिटेल में पूछेगा एनशियंट और मेडिवल से कल्चर पूछेगा ये पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्यों शहरी सभ्यता कहते हैं क्वेश्चन पूछ लेगा अगर मान लो यहां से मेंस का क्वेश्चन पूछना है तो यह क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाई वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज ए ए जो है अर्बन सिविलाइजेशन क्यों इसे हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को एक अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं है? कमेंट में लिख के बताओ क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हो या पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के बारे में जो है उल्लेख करें कैसी इनकी नगर इनकी सिटी प्लानिंग कैसी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की तो फिर आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम हम सिटी प्लानिंग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पैटर्न होता था पूरा शहर जो है वो ग्रिड के पैटर्न में होता था चेस के पैटर्न में होता था पूरा शहर ठीक है हर शहर में पूरे शहर में रोड जो है वो नाइनटी डिग्री पे क्रॉस करते थे शहर दो हिस्सों में डिवाइड होता था एक होता था ऊंचा ऊंचा हिस्सा होता था जिसको हम गढ़ बोलते थे जिसकी किलाबंदी की जाती थी और एक हिस्सा निचला हिस्सा होता था जो कि रेजिडेंशियल एरिया होता था सिंधु घाटी सभ्यता में घर पकी पकीटों से बने होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे मेन रोड पर खुलने की बजाय अंदर की तरफ खुलते थे सिंधु सिंधु घाटी घाटी सभ्यता सभ्यता के के में में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था दो स्टोरी बिल्डिंग होती थी में हर घर अंदर जो है स्नान ग्रह होता था हर घर के अंदर कुआं होता था सिंधु घाटी सभ्यता में ठीक है तो इस तरीके से आप जो है सिटी uh, प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं कैसे शहर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में मोस्टली शहर जो है सिंधु नदी की और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास है ठीक इस तरीके से आप जो है उनकी सिटी प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं इसके अलावा क्या चीज है जो सिंधु घाटी सभ्यता में शहर की ओर दर्शाती है हमारा ट्रेड होता था मैसो के साथ में इजिप्ट के साथ में तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि एंसेंट हिस्ट्री से मेंस में नहीं आएगा एनसेंट हिस्ट्री से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं आएगी यह कभी नहीं पूछेगा अशोक के बारे में एंसियट हिस्ट्री से एंसियंट हिस्ट्री से कभी नहीं पूछेगा मेंस के अंदर मैं बात कर रहा हूं हूँ हिस्ट्री से कभी नहीं पूछेगा मेंस के अंदर आपका चंद्रगुप्त के बारे में किसी राजा के बारे में नहीं पूछेगा कल्चर पूछेगा एंसियंट हिस्ट्री से और मेडिवल हिस्ट्री से कल्चर केवल ठीक है कल्चर में पूछ लेगा कि बत, बताओ भाई क्यों गुप्त काल को वाह गुप्त गुप्ता एज इज नोन एज गोल्डन एज ये पूछ सकता है ठीक है, ठीक है? आप ये पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नागर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर एंड द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मंदिर बनाने की द्रविड़ कला और नागर कला में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा ठीक है आपको पूछ लेगा जो है मूर्ति बनाने की कला पूछ लेगा मूर्ति बनाने की कला है जो मथुरा आर्ट है मूर्ति बनाने की मूर्ति बनाने की जो गंधार आर्ट है और मूर्ति बनाने की जो अमरावती कला उसमें क्या डिफरेंस है ये पूछ लेगा कि बताओ भाई मूर्ति बनाने की गंधार कला अमरावती कला और मथुरा कला में क्या डिफरेंस है मूर्ति बनाने की तीन फेमस कलाएं हैं यहां इस तरीके से पूछ लेगा तो मेंस के अंदर आपको जो है अगर आप मेंस की अगर बात करें तो एंसियंट और मेडिवल हिस्ट्री से कल्चर पूछेगा और मॉडर्न हिस्ट्री से में से कुछ भी पूछ सकता है मेंस के अंदर फिर कहता चोल वंश का संस्थापक कौन है भे? किसे चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है विजयालय को करिकाल को आदित्य वन को या राजा राज को वो इज नोन एज द वज नोन एज द फाउंडर ऑफ चोल एम्पायर चोल वंश का फाउंडर किसे कहा जाता है चोल वंश का फाउंडर किसे कहा जाता है बताओ चोल वंश का फाउंडर किसे कहा जाता है विजयालय को कर को, आदित्य वन को या राजा राज को ठीक है ये क्वेश्चन जो है है आपको घर से करके लाना है भाई ये आपका होमवर्क है और एक चीज मैं आपको बता दूं भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो है किस तरीके से हमारे पेड बैचेज में एनरोल कर सकते हैं आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट में जाना है इस तरीके से ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे स्टेट एग्जाम में आप जाएंगे बिहार में आप जाएंगे और बिहार पीसीएस पे आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये बिहार पीसीएस के बैचेज हैं बिहार पीसीएस के बैचेज हैं ठीक है ठेके? जैसे अगर आप जो है आपके लिए जो अभी फिलहाल मैं बेस्ट जो चीज बता रहा हूं वो है बिहार का महापैक प्लस बिहार महापैक प्लस जो है ये आप जो है फिलहाल देख सकते हैं इसमें डबल वैलिडिटी चल रही है बिहार महापैक प्लस में और बिहार महापैक पैक, प्लस में ना केवल प्रिलिम्स की तैयारी आपकी होगी बीपीएससी में मेंस की भी तैयारी होगी इसके अंदर और अभी फिलहाल इसमें 24 महीने की वैलिडिटी आपको मिल रही है वैसे 12 महीने हुई थी डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी 24 महीने की वैलिडिटी यानी 24 महीने बीपीएससी के भी और जितने भी एग्जाम बिहार के अंदर होते कोई भी एग्जाम जो बिहार के अंदर होता है हर एग्जाम इसके अंदर इंक्लूड रहेगा ठीक है यह है आपका बिहार महापैक प्लस आज इसमें डबल वैलिडिटी मिल रही है और कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हैं ये देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी तीन हजार से ज्यादा घंटे की क्लासेस ई बुक्स टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके अंदर मिलेगा हर एग्जाम जो भी बिहार में होता है हर एग्जाम इसके अंदर इंक्लूड है चाहे वो आपका बीपीएससी का प्रम्स है मेंस है बीपीएससी असिस्टेंट है सिविल कोर्ट सीजीएल बिहार दरोगा पुलिस कॉन्स्टेबल मद निषेध और इसके अलावा पुलिस फायरमैन फॉरेस्ट गार्ड हाई कोर्ट असिस्टेंट बीडी वीडियो सीडीपीओ सारे एग्जाम इसके अंदर इंक्लूड है और कैसे बिहार महापैक प्लस को आप एनरोल कर सकते इतना फीस आपको पे नहीं करना आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और मेरा कोड है भाई Y469 आपको अप्लाई करना है जब भी आप एडमिशन लो तो मेरा कोड आप जरूर लगाएं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरा कोड लगाते हैं और साथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यानी सेवनटी सेवन परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको करीब तिहत्तर सो सेवन थ्री फाइव नाइन में बैच आपको पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आप हमारे पेड बैचेज एनरोल कर सकते हैं हमारी प्ले में जाकर हमारी वीडियोज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी और आप हमारे साथ डेली लाइव भी जुड़ सकते हैं जिस तरीके से आप जुड़ना चाहें वैसे आप जुड़ सकते हैं ठीक है तो थैंक यू ऑल भाई कल फिर मुलाकात करेंगे सुबह आठ बजे और कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ मेंस के क्वेश्चन भी कल मैं लेकर आऊंगा ठीक है आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए मैं दूंगा कल और हम जो है इसके अलावा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और कल हम बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे कल सड़सठवी मेंस के मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा ठीक है और हम जो है जो प्रीलिम्स के ईयर के वो भी हम कल डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू